Morning, my dear students. Myself Shabina Qureshi, and I am your English teacher. I will teach English reader of class 6. And today I am going to start our first chapter from English reader book. Chapter name is The Cranky Macaw. This is our English reader book, and please purchase this book as soon as possible, because without book you can't understand the chapter. While I am explaining the chapter, you should open your book at your home and read with me, okay? Chapter name is Cranky Macaw. Cranky means bad temper, chirchida. Cranky jiska jo irritated rehta ho, chirchida rehta ho, jiska nature chirchidaat wala ho, jaldi gussa aa jata ho. Macaw, what is the meaning of macaw? Macaw is a kind of parrot. एक ऐसा पैरट होता है, अ लॉन्ग टेल्ड एंड ऑफन कलरफुल पैरट. जो कलरफुल होता है वैसे यूजली ग्रीन कलर का पैरट होता है, बट जो मकाऊ जो पैरट होता है वो कलरफुल होता है, रेड ब्लू ग्रीन उसके फैदर्स होते हैं और उसकी टेल लॉन्ग होती है, रंगीन और लंबी पूंछ वाला तोता. नाउ थर्ड सेलर, अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अ शिप और सेल्स अ बोट. एक ऐसा पर्सन जो कि शिप पर काम करता हो या फिर वो नाव को चलाता हो. इट्स हिंदी मीनिंग इज नाविक, और इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें नाव चलाने वाला. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज प्लमेज. प्लमेज द फैदर्स कवरिंग अ बर्ड्स बॉडी. फैदर्स पंख जो कि बर्ड्स की बॉडी को कवर किए रहते हैं, हिंदी में हम इसे कहेंगे पंख. फैदर का मीनिंग तो और सभी जानते हैं, बट इसका जो सिनोनियम्स है प्लमेज. हमारी बुक में जो वर्ड आया है फैदर के लिए वो आया है प्लमेज. तो प्लमेज का अगर हम इंग्लिश मीनिंग देखेंगे इजी वो फैदर होता है, हिंदी मीनिंग पंख. स्कारलेट, स्कारलेट ब्राइट रेड यानी कि चटक लाल रंग. रेड कलर में भी काफ़ी वेराइटीज होती हैं, तो बिल्कुल जो ब्राइट रेड होता है उसको स्कारलेट कहते हैं. रंप बैक साइड, बैक साइड कहेंगे हम तो उसको रंप कहते हैं, रंप यानी कि पीछे की. और स्क्रीच, लाउड साउंड तो पढ़ा ही है बट अनप्लेजेंट, एक ऐसा लाउड साउंड, एक ऐसी ऊंची आवाज़ जो अनप्लेजेंट हो, जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे कानों को इरिटेट करती है. जब हम कोई बहुत तेज स्क्रीच करता है, चिल्लाता, कई बार कहते हैं हमें अच्छी नहीं लग रही आवाज़. सो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? अनप्लेजेंट लाउड साउंड यानी कि तीखी आवाज़ जो कि हमें अच्छी नहीं लग रही है हमारे कानों को. ट्रिप्ड, स्टम्बल्ड एंड फेल, ठोकर खा के गिर जाना, किसी चीज़ में उलझ कर गिर जाना. ट्रिप, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिप. एस्थेटिक, इंग्लिश मीनिंग इज वेरी हैप्पी. एस्थेटिक का इंग्लिश मीनिंग जो क्या होता है वो होता है वेरी हैप्पी, और वेरी हैप्पी से हम लोग समझ गए होंगे हिंदी मीनिंग क्या होगा, बहुत खुश. यू हैव टू डू दिस वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक. आपको अपनी नोटबुक में ये वर्ड मीनिंग्स करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन डेट, आप अपनी नोटबुक में डेट मेंशन करेंगे. देन यू विल राइट नेम ऑफ चैप्टर, देन स्टार्ट वर्ड मीनिंग. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. प्लीज ओपन योर बुक इफ यू हैव, और परचेज एज सून एज पॉसिबल. स्टार्ट. फर्स्ट आई विल गिव यू शॉर्ट इंट्रोडक्शन और शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर. ये जो समरी है, समरी जो लिखी है हमारी स्टार्टिंग में, मैं सबसे पहले से रीड करूँगी. ये एक स्टोरी है क्रैंकी मकाओ और एक सेलर की. सेलर अभी मैंने आपको बताया मीनिंग क्या होता है, नाविक जो नाव चलाने वाला होता है, और क्रैंकी मकाओ यानी कि एक चिड़चिड़ा तोता जो होता है मकाओ, उसकी स्टोरी है. और बोथ वर फ्रेंड, वो दोनों क्या है, दोस्त हैं. अब कैसे मकाऊ उसके एक दिन उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कैसे उसके लिए बहुत काम आता है, हम लोग इस स्टोरी में ये पढ़ेंगे. मैनी डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवन रेप्टाइल्स आर कैप्ट आर पेट्स. बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, आर कैप्ट एज पेट्स. उनको पेट्स के तरह रखा जाता है यानी कि पालतू जानवर की तरह रखा जाता है. और सबसे जो कॉमन पैट होता है वो ऑल वी नो डॉग होता है. Dogs are popular pets as they are friendly and are good company, especially for children. Dogs सबसे popular pets होते हैं, होते ही हैं. ऑलमोस्ट सभी के घरों में पैट के नाम पर डॉग को पाला जाता है. क्यों होते हैं वो popular, क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत friendly होते हैं और
बहुत ऑनेस्ट होते हैं, उनकी कंपनी भी गुड होती है, और स्पेशली वो बच्चों को बहुत प्यारे होते हैं. सम पीपल हैव कैट्स एज पेट बिकॉज कैट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट. और कुछ लोग डॉग्स के अलावा कैट्स को भी रखते हैं एज अ पैट. पैराकिट्स कैन बी ट्रेंड टू टॉक टू, और पैराकिट्स यानी कि जो पैरट होते हैं वो क्या होते हैं, बोलने में ट्रेंड होते हैं. डे सेलर इन ओल्डन डे सेलर एंड पैरट्स हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द सी. ये स्टोरी किसकी, एक सेलर की है और एक पैरट की है. हु स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम, जो बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड करते हैं ऑन द सी, समुद्र पर. ऑन द सी यूज टू कीप पैराकिट्स एज पैट्स. और तो क्या होता है, जो समुद्र में अक्सर डॉग और कैट्स जैसे पैट्स नहीं रखते हैं, जो समुद्री किनारे पर रहते हैं वो लोग पैरट्स को एज अ पैट्स वो रखते हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ सेलर एंड हिज पैट्स अ मकाओ. तो हमने ये जाना है कि द मकाओ इज द स्टोरी ऑफ अ सेलर, एक सेलर की स्टोरी है, और अ मकाओ, और एक मकाओ, मकाओ क्या काइंड ऑफ पैरट है. तो ये स्टोरी दो जन की है. क्या क्या नाम है, सेलर का और मकाओ का. ये मकाओ उसका एक पैट है, पालतू बर्ड. ओल्ड सेलर जॉनी जे लव्ड द सी. सेलर जिसकी हमने बात की है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ सेलर, का नाम क्या है, जॉनी जे. नाम क्या है, जॉनी जे. लव्ड द सी, उसको समुद्र तो बहुत पसंद है. फ्रॉम द ईयर ही टर्न 12 ही स्टार्टेड सेलिंग. फ्रॉम द ईयर ही टर्न 12, उस साल जिस साल से उसकी उम्र 12 साल की हुई, यानी कि जब से वो 12 साल का हुआ है, स्टार्टेड सेलिंग, उसने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि नाव चलाना स्टार्ट कर दिया था. और ही बिकेम अ सेलर एट द एज ऑफ 12. जब उसकी 12 साल की उम्र थी, एट द एज ऑफ 12 जॉनी जे बिकम अ सेलर और ही स्टार्टेड सेलिंग. सिंस देन इट हैज़ बीन 66 ईयर्स. तब से सेलिंग करते हुए, यानी कि नाव चलाते हुए 66 ईयर्स हो चुके हैं. ही हैज़ सेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. उसने पूरे वर्ल्ड में सेलिंग की है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में नाव चलाई है, शिप चलाई है, और पूरे वर्ल्ड को विजिट किया है. ही हैज सीन मैनी कंट्रीज बट द सी वॉज हिज होम. सेलिंग करते हुए उसने बहुत सारी कंट्रीज देखी है. ही हैज सीन मैनी कंट्रीज बट ही डिड नॉट लाइक एनी कंट्री टू स्टे. लेकिन उसको कोई भी कंट्री रहने के लिए पसंद नहीं आई है. बट द सी वॉज हिज होम, और उसका घर जो है वो समुद्री बना है, यानी कि समुद्र पानी में तो रहता नहीं है, समुद्र में शिप रहती, तो उस शिप में वो रहता है. सो ही डिड नॉट चूज एनी कंट्री टू मेक हिज होम. ही चोज ओनली सी टू लिव. उसने सी को ही, समुद्र को ही अपना घर चुना. ही डिड नॉट लाइक टू लिव ऑन द लैंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फर्स्ट लाइन से डिस्क्राइब हो ही चुका है, समझ ही चुके हैं कि उसको लैंड पर रहना पसंद ही नहीं है, जमीन पर रहना पसंद ही नहीं है. ही डिड नॉट लाइक टू लिव ऑन द लैंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से, क्योंकि वो सेलिंग करता रहा है, पानी में ही रहा है, तो उसको वाटर यानी कि सी में ही रहना पसंद है, तो लंबे टाइम से उसको लैंड पर रहना पसंद नहीं है. ही हैड ए स्मॉल कैबिन ऑन एन आईलैंड ऑफ गुआना वेर ही चूज टू स्टे इंस्टेड विद हिज फैमिली विच लिव्ड ऑन ए नियर बाय आईलैंड. He had a small cabin on an island. एक island होता है, island everyone know, land of peace surrounded by water. एक ऐसा land of peace जिसके चारों ओर पानी होता है, called island. इसे हम island कहते हैं, ठीक है. उसका एक cabin है, यानी कि एक छोटा room बना हुआ है. कहाँ पर बना हुआ है, island पर. वो island का क्या नाम है, गुआना island पर, ठीक है. और जहाँ पर उसने रहने choose किया है, instead with his family, अपनी family के साथ नहीं, बल्कि उसकी फैमिली कहाँ रहती है, विच लिव्ड ऑन अ नियर बाय आइलैंड. उसकी फैमिली तो नियर बाय आइलैंड पर रहती है, और खुद जो है गुआना आइलैंड पर रहता है, अकेला रहता है. वेयर ही हैड अ कैबिन, जहाँ पर एक कैबिन है. द नेम ऑफ गुआना वेयर ही लिव्ड, इट वॉज अ गुआना आइलैंड. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पैरा. यू रीड द फर्स्ट पैरा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अलॉन्ग विद दिस वीडियो. Now I am going to start second paragraph. Johnny J has had only one constant friend over the year. Over the year यानी कि सालों से, constant यानी लगातार, जो continuous friend है. Johnny का एक ही बहुत सालों से एक ही friend है, Crazy Coot. उसका नाम क्या है, Crazy Coot. Crazy Coot. आपको क्या लगता है,
इट वॉज अ ह्यूमन, कोई इंसान है उसका फ्रेंड? नो, इट वॉज अ मकाऊ, उसका जो ये फ्रेंड है वो मकाऊ है. क्रेजी कोट, एज ही वॉज नॉन स्पॉक लाइक ए मैन बट विथ अ वेरी ऑड श्रीकिंग टोन. क्रेजी कोट, ही वॉज नॉन, जैसे कि नाम से जाना जाता है, किस तरह से बोलता था, लाइक अ मैन, इंसान की तरह वो बात करता था. ठीक है, ये जो उसका फ्रेंड है क्रेजी कोट, एक पैरट है यानी कि मकाऊ है, विच कोट स्पीक लाइक मैन, जो कि बोल सकता था एक आदमी की तरह. क्रेजी कोट एंड जॉनी जे बोथ लव द सी, दोनों, जॉनी जे सेलर है और क्रेजी कोट कौन है, मकाऊ है, बोथ वर फ्रेंड, ये दोनों ही फ्रेंड थे. एंड बोथ लव टू लव सी, और दोनों को ही क्या पसंद है, समुद्र बहुत पसंद है. एंड लाइक ऑल सेलर इंजॉयड देयर ऑन कंपनी, और ये दोनों अपनी एक दूसरे की कंपनी को बहुत ही पसंद करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं. मीटिंग पीपुल ऑलवेज मेट देम क्रैंकी विथ पीपल, मीटिंग पीपुल ऑलवेज मेट देम क्रैंकी विथ पीपुल, ये लोगों से मिलना, एक दो बाहर के लोगों से मिलना उनको क्या बना देता है, क्रैंकी बना देता है, मतलब चिड़चिड़ा बना देता है. वो दोनों एक दूसरे से ही बहुत खुश हैं, दे वर हैप्पी विथ ईच अदर बोथ ईच कंपनीज, बट दे बट व्हाट मेड क्रैंकी कोट रियली स्पेशल वाज दैट ही वाज ए मकाओ. क्रैंकी कोट को स्पेशल क्यों स्पेशल है, वो एक तो वो बोल सकता है, सेकेंड थिंग वो स्पेशल क्यों है, बिकॉज वॉज दैट ही वॉज ए मकाओ, क्योंकि वो एक मकाओ है, मकाओ मीन एक कलरफुल पैरट है. और पैरट तो वैसे बहुत ही सुंदर लगते हैं, सबको ब्यूटीफुल लगते हैं, लेकिन वो कलरफुल हो जाए तो बात ही क्या है. वी कैन सी इन द पिक्चर, देखो, सी इन द पिक्चर, दिस इज अ मकाओ एंड इट इज अ कलरफुल पैरट, जिसके ग्रीन, रेड और ये ब्लू कलर के जो फैदर्स होते हैं. तो स्पेशल थिंग क्या है, क्रेजी कोट वॉज ए मकाओ, क्रेजी कोट एक मकाओ है, यानी कि वो कलरफुल पैरट है. अ काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरट, एक साउथ अमेरिकन पैरट है, कलरफुल पैरट है, ये इसकी स्पेशलिटी है. वॉट मैड क्रेजी कोट रियली स्पेशल वॉज दैट, क्या चीज़ है जो कि क्रेजी कोट को स्पेशल बनाती है, वॉट वॉज द स्पेशलिटी ऑफ क्रेजी कोट, द स्पेशलिटी ऑफ क्रेजी कोट दैट ही वॉज मकाओ, वो क्या था, मकाओ था. मकाओ क्या होता है, अ काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरट, जो कि कलरफुल होता है. हिज प्लमेज एंड टेल फैदर्स वर स्कारलेट इन कलर, अब बता रहे हैं कि इसके प्लमेज, प्लमेज फैदर्स कैसे हैं, उसके प्लमेज और जो फैदर्स हैं, टेल जो है उसकी, टेल फैदर्स वर स्कारलेट इन कलर, उसके जो फैदर है, जो उसके पंख हैं और उसकी जो टेल फैदर है, यानी कि जो उसकी पूंछ के जो पंख है, वो स्कारलेट है, स्कारलेट ब्राइट रेड कलर के हैं. द रंप ऑफ लाइट ब्लू, और जो उसका बैक साइड है, यानी कि जो उसका पीछे का साइड है रंप, मैंने आपको बताया बैक साइड, वो ब्लू कलर का, वी कैन सी इन द पिक्चर ना, दिस इज द ब्लू कलर, उसका रंप साइड ब्लू कलर का है. एंड द अपर विंग्स ऑफ येलो, और जो अपर विंग्स है वो येलो है. तो उसका फीचर्स कैसे हैं, उसकी स्पेशलिटी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज मकाओ, स्पेशल काइंड ऑफ साउथ अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन पैरट, और साउथ ये मकाओ कैसा होता है, हिज प्लमेज, और जो टेल फैदर्स है वो स्कारलेट है, और रंप उसका बैक साइड जो क्या है, ब्लू कलर का है. एंड द अपर विंग्स, जो ऊपर के जो पंखे वो कैसे हैं, येलो कलर के. इट वॉज हिज स्पेशलिटी. मकाओ वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन बी टॉट टू स्पीक. एक दूसरी बात क्या है, मकाओ एक तो उस कलरफुल तो है ही, सेकेंड थिंग क्या, वो बहुत इंटेलिजेंट है एंड कैन बी टॉट टू स्पीक, और उसको बोलना भी सिखाया जा सकता है, मतलब इट मीन्स ही कुड स्पीक, वो क्या कर सकता था, बोल सकता था. क्रेजी कोट हैड अ बैड टेम्पर, लेकिन उसकी एक चीज़ और थी, वो बैड टेम्पर था, यानी कि बहुत चिड़चिड़ा था, वो बहुत जल्दी उसको गुस्सा हो जाता था. वैन इरीटेटेड ही वुड शाउट, और जब कभी भी वो इरीटेट होता था ना, जब उसको चिड़चिड़ाहट होती थी, गुस्सा आता था, वो ही शाउट बहुत तेज चिल्लाता था, ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमन, जैसे हम लोग चिल्ला जाते हैं, कोई हम लोगों को इरीटेट करता है तो हम लोग चिल्ला देते हैं, तो इस तरह से मकाओ भी शाउट करता था. ही लव्ड वॉचिंग ओल्ड मूवीज विद जॉनी जे एंड कुड इमिटेट साउंड ऑफ गन फायर. जॉनी जे का वो इतना अच्छा फ्रेंड था कि वो उसके साथ में मूवी भी देखता था और इमिटेट साउंड ऑफ, जब गन फायर होती थी मूवीज में धाएं धाएं धाएं, तो वो उसको भी क्या करता था, इमिटेट कर लेता था, मतलब इमिटेट का मतलब होता है उसको भी वो कॉपी करता था. ही कुड ऑल्सो स्पीक सम डायलॉग्स फ्रॉम सम मूवीज, वो सिर्फ गन साउंड इमिटेट नहीं करता था, वो डायलॉग को भी इमिटेट कर लेता था, डायलॉग्स को भी वो क्या करता था, रिपीट करता था फ्रॉम द मूवी विच दे वॉच, जिसको वो देखते थे दोनों मिलकर के, जॉनी जे एंड मकाओ, जिसका नाम क्या था, क्रेजी कोट.
ही लव्ड टू विसल, और उसको सीटी बजाना तो बहुत ही पसंद थी. ऑफकोर्स सभी पैरट्स को सीटी बजाना तो बहुत पसंद होती है, हम लोग देखते ही हैं. वेन एवर ही सॉ अ गर्ल और अ वुमेन ही वुड विसल लाउडली एंड प्रिटेंड टू फैंट. कब क्या करता था, कई बार वो थोड़ा सा किसी भी जब गर्ल को देख लेता या वुमन को देख लेता तो वो विसल करना स्टार्ट कर देता और चुपचाप क्या करता, सीटी बजा करके वो इमिटेट कर लेता था कि जैसे वो फैंट है, यानी कि बेहोश हो गया, उसने कुछ नहीं देखा, सो जाता था, आँख बंद कर लेता था, जैसे उसने विसलिंग की नहीं है. He also threw his favorite food, sunflower seeds, throughout Johnny J's house and loved to hide behind things. उसको कुछ अपने जो फेवरेट फूड जो होते थे वो भी घर के बाहर फेंक देता था, मतलब उसको चिढ़ाता था वो जॉनी जे को. उसके फेवरेट फूड क्या थे, सनफ्लावर सीड्स थे. थ्रो आउट जॉनी जेस हाउस, यानी कि पूरे जॉनी जेस के जो घर होता था उसमें बिखेर देता था अपना फेवरेट फूड. एंड क्रेजी कोट वर ए वेल मैच्ड पेयर, स्टबर्न एंड सॉलिटरी. जॉनी जे एंड क्रेजी कोट, यानी कि दोनों जो स्टोरी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जॉनी जे जो कि सैलर था और क्रेजी कोट यानी कि जो मकाओ था, दोनों वेल पैड थे, यानी कि दोनों की जोड़ी अच्छी थी. एज स्टबन क्यों अच्छी थी, क्योंकि दोनों ही जिद्दी थे, स्टबन थे. और सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स बोथ दे लाइक्ड टू लिव अलोन, दोनों को ही अकेला पसंद था, दे डिड नॉट लाइक टू मीट विथ पीपल. ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे. नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज परचेज दिस बुक ऑफ इंग्लिश चिल्ड्रन ऑफ क्लास 6 एंड लाइक आर वीडियो एंड सब्सक्राइब आर चैनल. थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ.